रिजीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स में छूट दी गई है। हम लगातार ऊपर चर्चा कर रहे थे इस पूरे मसले पर। ये जो रिजीम है ओल्ड टैक्स रिजीम, सेंसेक्स 1100 बड़ी खबर, ये भी बताते चल रहे हैं। और एक कमेंट ले लेते हैं गौरव, 1100 अंकों का उछाल बहुत बड़ा उछाल है, सेंसेक्स ने स्वागत किया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मध्यम वर्ग के लिए इस बजट में बिल्कुल दोनों हाथ में लड्डू दिए हुए हैं। एक तरफ तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाकर उन्होंने रोजगार दिया हुआ है, दूसरा इनकम टैक्स की स्लैब में चेंज करके मध्यम वर्ग के लिए जिनकी इनकम अप टू 15 लाख तक थी उनको बोनजा स्कीम मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया हुआ है और लोगों को सेविंग्स बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेंगी तो अल्टीमेटली पैसा। अगर ये ओल्ड जो रिजीम है इसमें कितना किसको कितना फ़ायदा मिलेगा, थोड़ा और प्रिसाइजली दर्शकों को समझाइए। देखिए, पहले ओल्ड रिजीम में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी वो 2.5 लाख तक थी, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30% ये स्लैब लगता था। अब इन्होंने जो किया हुआ है कि जीरो से मतलब 3 लाख तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दे दी, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 तक इन्होंने 15%, 12 से 15 तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30%। यदि मेरी कोई इनकम 15 लाख थी तो मैं 30% पहले लगता था 10 लाख से ऊपर का, अब 15 लाख से ऊपर 30% लगेगा। टैक्स प्रपोजल्स के बहुत जल्दी से पहले तीन यहां के टैक्स प्रपोजल को लेकर 2 पॉजिटिव और 2 उनके हिसाब से नेगेटिव्स क्या नजर आते हैं सर? 2 पॉजिटिव्स और 2 नहीं है, ये रखा है आपने? नहीं सर, टैक्स प्रपोजल के हिसाब से जो भी न्यू रिजीम आई है मैं इसका दिल से स्वागत करता हूं। आज के नए युवाओं के लिए बहुत बढ़िया टैक्स प्रपोजल आया है, मतलब इससे बेहतर मौजूदा सिनेरियो में कुछ नहीं हो सकता था, बेस्ट है ये। नए टैक्स प्रपोजल में ये बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, काफ़ी फायदा है नए लोगों के लिए। ओल्ड टैक्स में हालांकि कोई बदलाव नहीं किया गया, उससे थोड़ी सी मायूसी जरूर है, लेकिन फायदा इकोनॉमिक को सुधार किया गया है। मोर ऑफ फील गुड है या वाकई कुछ बहुत बेहतर होने वाला है मिडिल क्लास के साथ खासतौर? बहुत ज्यादा कोई ड्रास्टिक चेंज आएगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन यह है कि कुछ टैक्स स्लैब को और रैशनलाइज किया जल्दी जाता से, तो जल्दी से हमारे सारे जितने भी गेस्ट हैं अपने अपने प्ले कार्ड उठाइए और अब यस नो में जवाब और सवाल होंगे। जल्दी से वेद साहब जल्दी से उठाइए। सबसे पहला सवाल, इनकम टैक्स की उम्मीदें पूरी हुई, यस और नो? सब यस 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 सर, इनकम टैक्स की उम्मीदें पूरी हुई। प्ले कार्ड दीजिए सर को, सर को प्ले कार्ड दीजिए सर, यस और नो? इनकम टैक्स की उम्मीदें पूरी हुई, नो? आलोक जी नो, हर्षवर्धन जी नो, नो क्यों सर जल्दी से? सर नो इसलिए कि जो ओल्ड रिजीम में बहुत सारे लोग हैं उनके लिए कोई चेंजेस कई सालों से नहीं है, तो प्रिसाइजली हमारी टैक्स लायबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो जो बिल्कुल 8 करोड़ लोग ओल्ड रिजीम में, 5 लाख लोग केवल निधि निधि में। थोड़ा सा इसको और समझाता हूँ TV9 भारत वर्ष के दर्शकों के लिए, यानी सरकार ये कह रही है कि जो दूसरे तरीके से आप कुछ रिबेट लेते थे वो करना बंद कर दीजिए, ये अच्छी चीज नहीं है। अगर आप कहते हैं कि एक कट ऑफ दिया तो कट ऑफ बढ़ाते हैं। जल्दी से एक और सवाल, जल्दी से एक और सवाल, क्या मिडिल क्लास मायूस हुआ, यस और नो? जल्दी से यस और नो, क्या मिडिल क्लास मायूस हुआ, यस यस नो? ये बटा हुआ है मैंडेट, नो सर, आप क्या कह रहे हैं, यस और नो? सर को प्ला कार्ड दीजिए, यस, आपको क्या लगता है सर, यस मिडिल क्लास निराश हुआ? अभी भी नो ही है, बहुत बड़ी संख्या है सर, भिंगा सर, भिंगा सर, दो चीजें हैं, दो चीज मिडिल क्लास, सॉरी मिडिल क्लास निराश नहीं हुआ। अभी जो सर ने हमारे बोला कि 5 से 7 की जो लिमिट कर दी है इन्होंने, which is a fantastic effort for the middle class. ठीक है सर, मैं समझ गया आपकी बात। disposable income बढ़ रही है। लेकिन जो बात कही जा रही थी गौरव की reformist budget होगा, जल्दी जल्दी एक एक comment, reformist budget लगा आपको? बिल्कुल नहीं। नहीं लगा आपको? जी हाँ बिल्कुल लगा। reformist है, populist reformist? populist या reformist नहीं है ना, क्योंकि हमने काफी एक्सपेक्ट किया कि काफी आउट ऑफ द बॉक्स थॉट प्रोसेस है। एक्सपेक्टेशन मीट किया? मीट नहीं किया, नहीं किया है एक्सपेक्टेशन मीट, आपकी नहीं, काफी हद तक एक्सपेक्टेशन मीट इसलिए किया है, रिफॉर्मिस्ट है क्योंकि जो पहले से करते आ रहे हैं जिस दिशा में हम चल रहे हैं वो सही दिशा है, वो दिशा सही है, आप बताइए। टू सम एक्सटेंट रिफॉर्मिस्ट, रिफॉर्मिस्ट लगा आपको? मैडम रिफॉर्मिस्ट लगा, इस बीच हमारे साथ सुरभि भी आ चुकी है, सुरभि हमारे सहयोगी आ चुकी है, सुरभि बजट महिलाओं को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, बिल्कुल मैं सुरभि आ चुकी है, पूरा सुनकर इसलिए आई हूं क्योंकि बड़ी बातें जो आपने कही थी। मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिए, महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम, महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम है, बिल्कुल है, बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए, किसानों को ध्यान में रखते हुए, चुनावी माहौल को ध्यान में रखते हुए, दिनेश जी सबसे महत्वपूर्ण यही हो चुका है कि हम जो एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे क्या उन एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतर रहा है आम लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर, इसीलिए खास पैनलिस्ट के साथ हम उस चुनावी माहौल का भी जिक्र करते आ रहे हैं, मिडिल क्लास का भी जिक्र करते आ रहे हैं, किसानों का भी जिक्र करते आ रहे हैं, कहना गलत नहीं है। फिर भी टैक्स बहुत अहम है, टैक्स बहुत अहम है, टैक्स को लेकर लोग क्या तौर पर कह रहे हैं कि मिडिल क्लास को फायदा हुआ है, टैक्स के लिए आपसे आप मानते हैं सबसे बड़ा फायदा? मैडम बिल्कुल हुआ है, मैंने आपको बताया जो न्यू रिजाइम के हिसाब से इनकम टैक्स 7 लाख आया वो हुआ है, महिलाओं को 2 लाख रुपए तक का ब्याज ज्यादा मिलेगा,
एमएसएमई में 1% ब्याज की छूट दी जा रही बिजनेसमैन को। ये सभी चीजें देखा जाए तो देश की आम जनता मिडिल क्लास के लिए फायदे की चीजें हैं। सर, 7 प्राथमिकताओं के साथ शुरुआत होती है, इंफ्रा, ग्रीन ग्रोथ, फाइनेंशियल सेक्टर और यूथ पावर। हाँ, न्यू रिजीम के लिए ठीक है, और लेकिन ओल्ड रिजीम के साथ भी कुछ करना चाहिए था इनको। ओल्ड रिजीम के साथ कुछ करना चाहिए था, आप अग्री करते हैं सर इस पॉइंट पर? नहीं, बिल्कुल करते हैं। उसमें मैंने इसीलिए बताया ना कि कुछ छूट जरूर मिली है, लेकिन कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ ऐसा नहीं है। इसके और कुछ ज़्यादा किया जा सकता था, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी मजबूरियाँ होती है गवर्नमेंट की, क्योंकि उसको अपने खर्चे के लिए भी तो चाहिए ना कुछ। मनी नाइन के एडिटर अंशुमन, आइए उनसे समझते हैं टैक्स का ये गणित एक्चुअली क्या वाकई बहुत फर्क लाने वाला है क्या मिडिल क्लास के पॉकेट को लेकर। अंशुमन, कैसे देख रहे हैं आप? दिनेश, मिडिल क्लास के पॉकेट पर उन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो बड़े पैमाने पर पुरानी टैक्स रिजीम का फायदा लेते हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो नई टैक्स रिजीम आई थी उसमें 75 अलग अलग डिडक्शन या जो रियायतें मिलती थी उन्हें खत्म कर दिया गया था। जो आप बीमा लेने पर रियायत लेते हैं, जो बचत पर टीसी की रियायत लेते हैं, जो आपको होम लोन का इंटरेस्ट रेट देने पर रियायत मिलती है, ऐसी करीब लगभग 4 लाख रुपए की रियायत एक आम मध्यम वर्ग के व्यक्ति को मिलती है, उसे छोड़कर उसे नई टैक्स रिजीम लेने के लिए कहा गया था। वित्त मंत्री ने जो आज घोषणा की है, उस घोषणा के सारे प्रमुख फायदे नई टैक्स रिजीम में जाने वाले को मिलेंगे। इसका मतलब दो तरह से समझ सकते हैं। यदि किसी की इनकम 7 लाख रुपए तक है और वो कोई टैक्स नहीं पे करता है, बचत नहीं करता, तो वो तो इस स्कीम में आ सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी भारत की जो टैक्स पेयर्स का हिस्सा है, वो आज तक नई टैक्स रिजीम का हिस्सा नहीं बने हैं। ये बहुत पॉपुलर स्कीम नहीं थी। इस बजट की कोशिश है कि इस स्कीम को पॉपुलर किया जाए, ज्यादा लोगों को इसमें लाया जाए, और इसलिए इस स्कीम को आज डिफॉल्ट स्कीम भी बना दिया गया है। यानी अगर आप सारी रियायतें जो आपको मिलती हैं होम लोन पर, बीमा पर, बचत पर, उन्हें छोड़ना चाहते हैं, तो आप इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। ये इंकम टैक्स के आज के फैसलों का मंतव्य है। अंशुमन जी, अगर आप कह रहे हैं कि रिबेट इसमें कम की गई है, तो इसे फायदा समझे या फिर नुकसान? किसमें रिबेट कम की गई? इसमें रिबेट नहीं कम की गई है। इस स्कीम में तो रिबेट बढ़ाई गई है। इस स्कीम में तो 5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री कर दी गई है इनकम, और जो स्लैब्स का नंबर है वो 7 से 5 लाख कर दिया गया है। पर आप समझिए कि दो तरीके के घर हैं। एक घर ऐसा है जिसमें कम लोग रहते हैं क्योंकि उसमें पंखे हवा नहीं है, दूसरे घर में रियायतों की हवा चल रही है। तो उस रियायतों की हवा जहाँ चल रही है वहाँ ज्यादा लोग रहते हैं, और उस घर में ज्यादा लोग इनकम टैक्स का फायदा उठाते हैं। सरकार ये चाहती है कि लोग बाकी रियायतें छोड़ दें, वो जो उनको बीमा पर रियायत मिलती है, जिनको बचत पर रियायत मिलती है, जिनको। अंशुमन जी बहुत शुक्रिया आपका। तो नई टैक्स रिजीम जिसमें केवल 5 से 6 लाख लोग अभी तक आए हैं, सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद सरकार उसको और आकर्षक बना रही है ताकि वहां लोग आए और नई टैक्स रिजीम में आकर ओल्ड रिजीम छोड़ें, लेकिन इससे क्या लोगों का फायदा होगा? वेद सर, नई टैक्स रिजीम तो ज्यादा टैक्सेबल है ना, कागजी उससे बचाती खर्चों से, लेकिन लोगों को टैक्स तो ज्यादा देना पड़ेगा। टैक्स बचाने का कोई तरीका भी नहीं है यहाँ पर। क्या इस नई व्यवस्था के बाद, इस नए स्लैब के बाद लोग आएंगे? नई स्लैब में बेसिकली क्या है, ये जो नया टैक्स रिजिम था ये पिछली बार काफ़ी लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया। पर्टिकुलर जो सैलरी क्लास वाले पर्सन थे उनके लिए HRA का जो बेनिफिट मिलता था वो उसमें नहीं मिल रहा। वो जिनकी सैलरी 10 लाख तक की है वो सारे के सारे मोस्ट ऑफ द ओल्ड रिजिम में गए हुए हैं। वो नए रिजिम में उनको बल्कि ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। अब बेसिकली दो चीज़ उन्होंने किए हुए, जो 87A की जो लिमिट थी, जो मीन जिनका पहले 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था, अब उनकी लिमिट 5 लाख की बढ़कर 7 लाख हो गई है। यदि कोई किसी की भी सैलरी या किसी की भी बिजनेस इनकम 7 लाख तक की है और वो 87A में छूट लेना चाह रहा है, ठीक है, इसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो 2.5 लाख थी उसे बढ़ाकर 3 लाख कर दिया। तो कुछ चेंज नहीं किया है, ये तो न्यू में आप 2.5 से 3 लाख की बात कर रहे हैं। नहीं, मेरे अपने हिसाब से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी 3 लाख कर दी गई है। आप कह रहे हैं कि ओल्ड में भी अब 3 लाख रुपए में टैक्स छूट मिलेगी? जी बिल्कुल, ये बड़ी बात है। इसको क्लैरिटी अभी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, इसकी क्लैरिटी लेनी पड़ेगी। 6 के साथ साथ 5 स्लैब्स की जहां तक बात हो रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम जनता के बीच ये मैसेज जाता था कि भले ही पेपरलेस वर्क जरूर हो जाए नए टैक्स स्लैब में, लेकिन टैक्स तो फिर भी ज्यादा देना पड़ता है ना। नहीं, मुझे लगता है कि एक और तरह से इसको देखना चाहिए। जब सरकार कह रही है कि भाई ओल्ड से न्यू में आ जाओ, तो हो सकता है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, हो सकता है कि जो आयुष्मान भारत चल रहा है, सरकार का अपना फीडबैक होगा कि उन लोगों को अब इसकी जरूरत नहीं है। यानी एक बड़ा वर्ग जिसको घर की और जिसको स्वास्थ्य के मामले में जरूरत है, उनको सरकारी योजनाओं से लाभ मिलता है, 7 लाख के ऊपर वाले। और इसको एक लाइन में मैं कहूं तो जरा राजनीतिक टाइप का है, लेकिन इस सरकार ने इस बजट में इस टैक्स के जरिए किया, जरा सा भी सूट बूट वालों के साथ ये सरकार नहीं है। एक बार फिर से
ये देखिए ये नो वाले जो स्वर हैं वो क्यों हैं, जरा एक बार फिर से प्लेकार्ड्स उठाइए और हमारे दर्शकों को बताइए टैक्स को लेकर इस बार सरकार का जो प्रपोजल है वो आप लोग प्लीज किस तरीके से देखते हैं। आपके पास जो प्लेकार्ड्स हैं देखते हैं जरा, नोज और यस देखिए जरा, जिनके पास भी प्लेकार्ड है मैं इस समय ये जरूर गुजारिश करूंगा आप सबके सब ये जरूर उठाकर रखिए, एक बार ये पता चलने दीजिए ज्यादा संख्या किनकी है। यस और नो को अगर आप देखते हैं तो यहाँ तो लगभग बराबर बराबर दिखाई दे रहा है और आपने तो उठाया ही नहीं है। अच्छा अब आप देखें जरा, अब जरा ये समझना आवश्यक है, ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम, नए स्लैब्स घटाकर कम किया जाना, पहले जो बता रहे हैं अभी अंशुमान के पुराने वाले घर में रियायतों की हवा ज्यादा चल रही है लिहाजा ज्यादा लोग वहां है, सरकार ने ये जो किया ये पहले से जटिल हो गया है मामला या आसान हुआ है? नहीं जटिल तो नहीं हुआ है, आसान हुआ है, लेकिन इस पूरे बजट को खाली टैक्स तक अगर सीमित देखेंगे तो इसका रूप अलग है, होलिस्टिक वे में देखेंगे तो इस बजट का रूप अलग है। होलिस्टिक वे में क्या अलग है? होलिस्टिक वे में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जॉब जनरेशन, स्टेट को जो सपोर्ट किया है, एमएसएमई को जो सपोर्ट किया है वो पहले नहीं था, वो एक बहुत बड़ा चेंज है बजट का। लेकिन आपने नो कहा है, ये जो पुराने रिजीम में जो नयापन आया है उसको आप नो कह रहे हैं, नकार रहे हैं आप, क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे जो कह रहे हैं कि आपको जो बेनिफिट हो रहा है वो खाली 15,000 का हो रहा है जो 6 से 9 लाख रुपए का है, जो 9 से 12 लाख रुपए है उसको 20% का हो रहा है, तो इतना बड़ा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो दायरा बड़ा नहीं है। आप पहले यस थे बाद में नो हो गए? नहीं मैं पहले से नो बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कि दायरा नहीं बढ़ा है, फायदे का दायरा नहीं बढ़ा, दायरा नहीं बढ़ा और वो एक्सपेक्टेशन इतना हाई था कि हम सोच रहे थे कि और देखे, देखे। और हमारे साथ मनी नाइन के एडिटर अंशुमान हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। अंशुमान अब हम आपको देख भी पा रहे हैं, यहाँ जो लोग यस और नो के संदर्भ में ये टैक्स को लेकर इस बार सरकार के प्रपोजल्स देख रहे हैं लगभग बराबर बराबर है, 50% यहाँ मौजूद लोग हाँ अच्छा है कह रहे हैं और 50% ऐसे हैं जो कह रहे हैं नहीं अच्छा नहीं है। इस हिसाब से पहले के मुकाबले कंपैरेटिवली आप इसको कैसा पा रहे हैं? किस बजट, अगर आप पूरे बजट की बात कर रहे हैं तो उसमें कई सारे प्रावधान है दिनेश, लेकिन अगर आप केवल इनकम टैक्स की बात करें तो उसकी अलग मतलब है। आप अपने अपने तरह से देखने का नजरिया हो सकता है कि आप किस तरह से देखें, लेकिन अगर इनकम टैक्स के फायदे की दृष्टि से देखें तो बजट में फायदे को नापने का एक और बड़ा तथ्यसंगत पैमाना होता है कि सरकार रियायतें देने पर कितने पैसे खर्च करती है अपने बजट से। इनकम टैक्स की रियायतों पर सरकार केवल 35,000 करोड़ का के रेवेन्यू के लॉस का एस्टिमेट कर रही है और ये एस्टिमेट केवल नई स्कीम के संदर्भ में ही है, क्योंकि अगर बड़ी स्कीम में इतनी बड़ी रियायतें दी जाती हैं तो इनकम टैक्स का जो रेवेन्यू लॉस था या जो रेवेन्यू आउटगो था या जो बजट से रेवेन्यू जाने वाला होता वो बहुत बड़ा होता। तो फिलहाल सरकार ने ये शुरुआत से संकेत दिया है कि वो इनकम टैक्स के पूरे ढांचे में रियायतें खत्म करना चाहती है, लेकिन यहां एक दिनेश छोटा सा कंट्राडिक्शन इस पूरी व्यवस्था में है कि एक तरफ बचतों को प्रोत्साहन की जरूरत बताई जा रही थी, हालांकि बजट में कुछ प्रावधान है बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए बजट की सीमा बढ़ाई गई है, महिलाओं के लिए सेविंग स्कीम लाई गई है, लेकिन जो बचतों को प्रोत्साहन देने वाली पुरानी टैक्स रिजीम थी उसमें कोई बड़ी रियायतें नहीं है। तो अब ये चुनने की बात है कि अगर आप चाहें कि नई टैक्स रिजीम ज्यादा अच्छी और ज्यादा रियायतें देती है तो कोई भी व्यक्ति अपनी पुरानी रियायतें छोड़ सकता है और ये बात 3 साल से लगातार चल रही है, इसीलिए पुरानी टैक्स रिजीम नई टैक्स रिजीम में बहुत ज्यादा लोग नहीं आए, क्योंकि भारत में एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि भारत में इनकम टैक्स का जो बुनियादी ढांचा था वो रियायतों पर केंद्रित था, इंसेंटिव्स पर केंद्रित था। जी जी बिल्कुल अंशुमन जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि दोनों रिजीम सामने हैं और विकल्प भी सामने हैं लोगों के पास, लेकिन यहाँ पर जो एक हमारे साथ मेहमान है अंशुमन जी, वो ये बोल रहे हैं कि जो मुनाफे का दायरा है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, जो भी सरकार ने पेश किया है ये जो पेशकश की है उससे मुनाफे का दायरा नहीं बढ़ रहा है, तो ये क्यों नहीं बढ़ रहा है और ये कैसे लोगों को निराश करेगा, थोड़ा इस पर भी फोकस करिए। स्वाभाविक सी बात है कि फायदे का मध्य वर्ग को कोई सीधा बड़ा फायदा नहीं मिल रहा है, जो विशेषज्ञ आपके साथ बैठे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि इस स्कीम में कम लोग हैं और कम लोगों को ज़्यादा रियायत देने के बाद भी फायदा नहीं होगा। भारत का जो बड़ा इनकम टैक्स क्लास था वो अपने बचत पर 80C में 80D में या अपनी जो इनकम टैक्स सीमा थी जिसमें अधिकांश लोग हैं उसमें वो फायदा चाह रहे थे, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से कोई बहुत बड़ा फायदा मध्य वर्ग के इनकम टैक्स पेयर को सीधे तौर पर नहीं मिल रहा है इस बजट से, ये बात बिल्कुल सही है। और ये इसलिए है क्योंकि मैंने शुरुआत
शुरुआत में भी जब हम सुबह कार्यक्रम में वहां मौजूद थे टीवी 9 पे, तो मैंने कहा था कि इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखना ठीक नहीं है, क्योंकि ये बजट तीन महत्वपूर्ण परिस्थितियों में आ रहा है। पहली परिस्थिति, भारत की आर्थिक विकास दर 3 साल की न्यूनतम अगले साल होने वाली है। सरकार के रेवेन्यूज में अगले साल ज्यादा गिरावट होगी इस साल की तुलना में, और सरकार को बहुत सारी स्कीमों पर खर्च ज्यादा करना पड़ेगा जबकि उसके लिए बजट नहीं है, और इसलिए सरकार ने इस पूरे बजट में कोई भी बड़ी प्रत्यक्ष रियायत नहीं दी, यहां तक कि कोई बड़ी मेगा स्कीम भी डिक्लेयर नहीं की, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बढ़ाने की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाने की बात हो। पूरे बजट को देखें, इकोनॉमिक रिसेशन एक बड़ा चैलेंज था जिसके तहत इस चुनावी वर्ष को भी आगे देखते हुए बड़े फैसले लिए गए। हालांकि इसमें मिडिल क्लास पर पूरा फोकस दिया गया, उनके ऊपर आ रहे बोझ को कम करने में प्रयास किया गया। मिडिल क्लास को, अगर आप मिडिल क्लास की दो अलग अलग चीजें आपने कही, एक कहा चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष अगला वर्ष है, सरकार अगले वर्ष तक जाते जाते बहुत कुछ कर सकती है, उसके लिए बजट की जरूरत नहीं होती है, पहली चीज तो ये। लेकिन जो सरकार की बिग टिकट स्कीम्स थी, जो बड़ी स्कीम थी जिनसे सीधे मदद मिलती, देखिए बजट दो तरह से मदद देता है, एक सीधी मदद अगर आपकी जेब में पैसा रखे, आपकी जिंदगी जीने की लागत घटाए, और एक परोक्ष रूप से अर्थव्यवस्था में पैसे डाले और उससे डिमांड बढ़े और रोजगार आए। तो प्रत्यक्ष रूप से कुछ देने की कोशिश इस बजट में नहीं की गई, परोक्ष रूप से बजटों में कई सारे उपाय होते हैं, उसमें दिखाई देते हैं। मध्यवर्ग को मिलने वाले प्रोत्साहनों में दो बड़े प्रोत्साहन मैं बता दूं, बचतों पर दो प्रोत्साहन आए हैं। महिलाओं के नाम पर अगर कोई बचत की जाती है 2 लाख रुपए तक की, तो 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा 2 साल तक, और स्मॉल सेविंग स्कीम जो डाकघर में चलती उस पर भी बचत की सीमा बढ़ी है। ये दो महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके अलावा अंशुमन सर देखें, मिडिल क्लास के लिए उम्मीदों के हिसाब से उतना अच्छा बजट नहीं है। अंशुमन सर, बजट इनकम टैक्स से जुड़े मेरे दो सवाल है, जरा क्लैरिटी दे दीजिए, थोड़ी कंफ्यूजन है। जो 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगता था, क्या उसको अब ओल्ड रिजीम में भी बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है, या नई रिजीम में 3 लाख से कैलकुलेशन शुरू होगा? और ये जो 7 लाख तक की टैक्स छूट है, यानी हम नई टैक्स रिजीम ऑप्ट करेंगे, तो अगर हमारी कमाई 7 लाख तक है तो कुछ नहीं देना पड़ेगा, और 7 लाख से ऊपर गई तो 3 लाख से कैलकुलेशन होगा? इसके लिए आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बजट के फिनांस बिल आने के बाद ये सारे प्रावधान स्पष्ट रूप से सामने आएंगे, क्योंकि सरकार ने स्लैब्स भी बदले हैं। नई टैक्स रिजीम में 7 स्लैब्स थे जिनको घटाकर 5 स्लैब कर दिया गया है, तो स्लैब का हिसाब जब फिनांस बिल सामने होगा तब समझ में आएगा। लेकिन 7 लाख रुपए वाला जो सवाल है, उसका जो अपेरेंटली जो वित्त मंत्री के भाषण से जितना हम समझ पा रहे हैं, उस हिसाब से अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति भारत में जिसकी इनकम 7 लाख रुपए तक हर कोई टैक्स नहीं देता है, तो बाई डिफॉल्ट वो नई स्कीम चुन सकता है। 7 लाख रुपए की इनकम वाला व्यक्ति, 7 लाख रुपए की इनकम वाले लोग भारत में हैं, एक संख्या में ठीक ठाक लोग हैं, वो डिफॉल्ट नई स्कीम चुन सकते हैं, जो पहले केवल 5 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री इनकम का लाभ लेते थे। लेकिन जो भारत का एक्चुअल मिडिल क्लास है, जो 12 से 14 लाख रुपए साल कमाता है, जिसकी इनकम 60-70 हजार रुपए महीने के आसपास है, उसके लिए न्यू स्कीम में अभी बहुत आकर्षण नहीं है, क्योंकि वो अपनी जरूरतें बेहतर करने के लिए होम लोन भी ले रहा है, बीमा पर भी पैसा खर्च कर रहा है, बच्चों की पढ़ाई की फीस भी दे रहा है, और बचतें भी कर रहा है। और इसलिए बचत के निगाह से देखें तो नई टैक्स रिजिम बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए नहीं लाई थी, पर नई टैक्स स्कीम ये जानबूझकर 75 के आसपास रियायतें खत्म करके लाई गई थी कि आप इनकम पर सीधे टैक्स दीजिए। अंशुमन जी, ये जो ये इसको लेकर एक बार अपने दर्शकों के लिए